वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय सुश। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम लखनऊ वाले हर मौसम में बिरयानी पुलाव बनाने का खास ध्यान रखते हैं और बहुत ही विशेष तरीके से बनाते भी हैं, लेकिन अगर मौसम सर्दियों का हो और सामने हो बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स और वो भी हेल्थ और टेस्ट से भरपूर, तो फिर तो स्पेशल मिक्स वेज पुलाव बनाना बनता ही है। फिर देर को करें, चलिए चलते हैं पुलाव बनाने। यहाँ पर मैंने अपनी मनपसंद सब्जियाँ ले ली, आप अपने मनपसंद ले सकते हैं जो फ्रेश सब्जियाँ अवेलेबल हों, टमाटर, धनिया, गाजर, मटर और गोभी। और ये यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप चावल, जिसको थोड़ी देर भिगो दिया है लगभग 20 मिनट के लिए। ये यहाँ पर मैंने दो तरीके से प्याज काट के रखा है, एक बड़ा प्याज है, आधा मैंने लंबे स्लाइस काटे हैं, इसको भून कर निकाल लेंगे, और ये छोटा प्याज है, ये चौक के काम आएगा। और ये थोड़ा सा पनीर लिया है। एक पैन में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, मीडियम हीट रखेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच ही लाल कश्मीरी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसमें हम पनीर को डाल करके हल्का सा सॉटे कर लेंगे तो उस पर कलर भी आ जाएगा, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसको बीच बीच में हल्का पलट देंगे जिससे सब तरफ से हल्का सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। ये देखिए मुश्किल से 3-4 मिनट लगे हैं, हमारा पनीर तैयार हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। थोड़े से गरम मसाले निकाल लेंगे खड़े, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा लेंगे दालचीनी का, 2 हरी इलायची, लौंग और थोड़ा सा ही टुकड़ा चक्री फूल का, और ये 1 छोटी टीस्पून जीरा। हम आज इसको कुकर में बनाएंगे जिसे और जल्दी बन जाए, तो इसके लिए हमने एक कुकर चढ़ा दिया है और ऑयल डालेंगे कम से कम 3 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें हम पहले प्याज भूनेंगे, भून कर निकालेंगे ब्राउन करके। तेल गरम हो गया है, अब हमने जो ये पतले स्लाइस काटे थे उनको पहले भून लेंगे। प्याजे के भून गए हैं और उनको निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम डाल देंगे ये जीरा और ये मसाले जो हमने खड़े लिए हैं। जीरा भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये छोटा वाला जो कटा प्याज रखा है उसको। प्याज हल्का देखिए भुन गया, पूरा नहीं भुनेंगे। इसी में हम डाल देंगे ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 छोटी चम्मच। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप ये दोनों चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, लहसुन प्याज और खाली जिंजर का छौंक लगाइए। अब हम थोड़े सूखे मसाले डाल देंगे पिसे, 1/2 छोटी चम्मच डाल रहे हैं हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच है पिसा हुआ धनिया और 1/2 छोटी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला थोड़ा धीमी आंच पर ही भूनेंगे क्योंकि सब सूखा ही हुआ है, और आप यहाँ चपत चाहें तो तेल की जगह देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। मसाला हमारा भुन गया है, अब हम थोड़ी सब्जियाँ जो है उनको हल्का सॉटे करेंगे इसमें ही डालकर। ये मैंने 2 आलू काट के रखे थे छील कर, वो भी डाल देंगे, कच्चे आलू हैं ये, गोभी, आप चाहें यहाँ तो शिमला मिर्च या और जो आपको सब्जियाँ पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। गाजर और मटर भी साथ ही में डाल देंगे। इसको हम मीडियम आंच पर भून लेंगे। सब्जियां थोड़ी भुन गई, अब हम टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर के साथ ही नमक डाल देंगे, आप स्वाद अनुसार डालें, हम यहाँ पर 1 टीस्पून डाल देंगे। सब्जियों को देखिए बहुत बढ़िया रंग आ गया है, ये 4-5 मिनट से भुन रही हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, चावल हमने देखिए छान कर रख लिया था पानी, चावल को बहुत देर ना भिगोएं, बस 20 मिनट काफ़ी हैं, नहीं तो फिर पकते समय ये कई बार टूट जाते हैं। अब हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमने चावल लिया था 1.5 गिलास, लेकिन हमने भिगो के रखा है, तो यहाँ पर वैसे तो अगर हम खोल करके बनाएं तो हमको 3 डालना चाहिए कप, लेकिन हम यहाँ पर डालेंगे 2.5 कप, आधा कप कम डालेंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा गीले ना हो जाए। अब देखिए यहीं पर हम पनीर भी डाल देंगे,
और हल्की हाथ से इसको चलाएंगे। और चूंकि हम कुकर में बना रहे हैं तो स्टीम में बनता है खाना तो पानी थोड़ा कम लगता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 2.5 कप रखा है। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार रखें, जितना तीखा आपको पसंद हो। थोड़ा सा हरा धनिया अभी हम डाल देंगे पकते समय, और थोड़ा बाद में डालेंगे ऊपर से। और इसको 2 विसिल आने तक पकाएंगे, और फिर जब भी प्रेशर रिलीज हो जाएगा अपने आप तब हम इसको देखेंगे। खोलकर प्रेशर रिलीज हो गया, अब हम देखते हैं खोलकर। वाह, बहुत बढ़िया तैयार हुई है, बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा मिक्स वेज पुलाव कितना शानदार दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे देसी घी, आप अपने स्वाद अनुसार और अपने टेस्ट के अनुसार डालें। थोड़ा सा ये ब्राउन अनियन जो हमने किया था, थोड़ा सा हरा धनिया। अभी देखिए कितना ये शानदार दिख रहा है मिक्स वेज पुलाव। साथ में हमने इसके सर्व किया है हरी धनिया चटनी, बूंदी का रायता और आम का अचार, और साथ में पापड़। ये इसी के साथ में बहुत बढ़िया ये सेट बनता है पूरा मिक्स वेज पुलाव का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।